हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का कल्पतरु एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज 4 अप्रैल को कक्षा 10 में विज्ञान का पेपर हुआ, राइट? तो पेपर एकदम आसान था। इसके विभाग ए का सॉल्यूशन हम देखेंगे। पहले प्रश्न के अंदर जवाब आता था डी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा था ब्यूटेनॉन, जिसमें कीटोन ये क्रियाशील समूह है, राइट? तो इसका जवाब कीटोन आता था। तीसरे समीकरण में ऑप्शन बी C6H12O6 आता था। इसके बाद चौथा है सौर सेलों में परस्पर संयोजन करने के लिए चांदी जैसी धातु का इस्तेमाल होता है, क्योंकि बहुत ही कम मात्रा में यहाँ इलेक्ट्रॉन पैदा होते हैं। यदि कॉपर, कोबाल्ट, आयरन जैसी धातु इस्तेमाल करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएंगे नहीं। पांचवें दाखले में समतल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है, तो प्रतिबिंब भी आपका 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, लेकिन आपको प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी पूछी थी, तो दोनों के बीच की दूरी आती है टोटल 80 सेंटीमीटर, यानी जवाब आपका बनता है बी, 80 सेंटीमीटर। छठा है सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दृष्टि, तो इसमें नज़दीक का बिंदु आता था 25 सेंटीमीटर अल्पतम दूरी पर, राइट? और दूसरी बात कि फ्रेंड्स, थोड़े ही समय में मैं आपको इसका सॉल्यूशन का PDF भी दे दूंगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हो। सातवां प्रश्न है वनस्पति तेल में से वनस्पति घी बनाने के लिए निकल जो है उस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। 282 यानी Z इज इक्वल टू होता था 12, तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है, राइट? नौवा था समतुल्य प्रतिरोध, तो समतुल्य प्रतिरोध यहाँ ध्यान से देखा जाए तो श्रेणी जोड़ान था, श्रेणी क्रम संयोजन था, तो R इज इक्वल टू R1+R2, उस हिसाब से 2+2 यानी 4 ओहम, तो जवाब आता था आपका 4 ओहम। दसवा है मनुष्य की कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की खाली जगह जोड़ी, तो कायिक कोशिकाओं में 22 जोड़ी, क्योंकि 23वीं जोड़ी जो है वो लैंगिक रंग सूत्र है, राइट? तो कायिक कोशिका उसमें 22 जवाब आएगा। ग्यारहवा है कार के अग्रदीप में खाली जगह दर्पण का उपयोग होता है, तो उसमें आएगा अवतल दर्पण, राइट? हेडलाइट जो होती है उसमें इस तरह का दर्पण का इस्तेमाल होता है। इसके बाद बारहवा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो जनरेटर कहते हैं, जनरेटर के द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने हमारा IMP का वीडियो लाइव सेशन अटेंड किया होगा तो उनको बहुत ही फायदा रहा होगा, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न उनमें से ही थे, राइट? 13वां सही या गलत विधान आपको बताने के थे, तो pH का मान 5.5 से कम हो जाए तो मुंह में दांत का जो क्षयन है वो प्रारंभ हो जाता है, तो विधान सही था। उत्कृष्ट गैसों की बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते, विधान गलत था, क्योंकि बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसके बाद 15वां सवाल था ब्रायोफिल्म की पत्तियों की कोर पर विकसित होने वाली कलिकाओं द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, तो विधान सही है, पान फूटी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस गैस है, तो ये विधान भी सही है। इसके अलावा मीथेन गैस भी ग्रीन हाउस गैस है। मिश्र धातु सोल्डर का गलनांक उच्च होता है, या मिश्रातु हो गया है, मिश्र धातु शब्द आएगा, और सोल्डरिंग का इस्तेमाल तार को जोड़ने के लिए किया जाता है, यदि गलनांक उच्च होता तो वो पिघलती नहीं, इसलिए विधान गलत है। 18वां है एब्सिसिक अम्ल वृद्धि प्रेरक करने वाले पादप हार्मोन का उदाहरण है, तो ये विधान गलत है, ये वृद्धि अवरोधक है, राइट? प्रेरक नहीं है। इसके बाद 19वां है विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र लिखे, तो विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र है CaO और Cl2, काउंस में OCl और काउंस के बाहर 2। 20वां है कौन सी अंगिका में पाइरुवेट विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा प्राप्त होती है, तो यहाँ पर आएगा कणाभ सूत्र अथवा माइटोकॉन्ड्रिया, कणाभ सूत्र अथवा क्या आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, राइट? तो इसमें ये विभाजन होकर के उत्पन्न होता है। 21वां है मैं विद्युत धारा का मापन करता हूँ, तो यहाँ जवाब आएगा गैल्वेनोमीटर, राइट? गैल्वेनोमीटर जो है वो विद्युत धारा का मापन करता है। AC और DC का पूरा नाम, तो AC का नाम है अल्टरनेट करंट, और DC का पूरा नाम है डायरेक्ट करंट,
डीसी का नाम आता है डायरेक्ट करंट। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, तो जो भी प्राचीन काल में वनस्पति पेड़ जंगल ये सब दब गए तो उस पर पृथ्वी का दबाव और तापमान, इसकी वजह से उनमें जो कार्बनिक प्रक्रियाएं हुई और कार्बनिक प्रक्रिया के अंत में जो प्राप्त हुआ उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। 24वां था सही रूप से जोड़ बनाए, तो खंडन, खंडन किस में पाया जाता है, तो स्पाइरोगायरा इसमें खंडन होता है, और पुनर्जनन प्लेरेरिया में अमीबा के अंदर द्विभाजन या बहुभाजन, राइट, वो पाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेक्शन ए का सॉल्यूशन। सेक्शन बी जो है उसका सॉल्यूशन हम इसके बाद आपके सामने पूरे जवाब के साथ लेकर आएंगे, तो चैनल के साथ बने रहिए, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और थोड़े ही समय में हम आपको सामाजिक विज्ञान का भी IMP देने वाले हैं, तो चैनल से जुड़े रहिएगा।